छत्तीसगढ़ जिले के सरायपाली में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण किसानों के समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण सरायपाली और आसपास के क्षेत्र में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचने समितियों में अपना धान नहीं ला पा रहे हैं। तो वहीं समिति प्रभारी ने भी किसानों से धान बारिश में नहीं लाने की अपील की है। धान खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि बारिश रुकने के बाद और मौसम खुलने के बाद धान खरीदी सुचारू रूप से चालू होगी। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि यदि लापरवाही के कारण धान के बोरे भीग गए और अगर धान को नुकसान हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पटेल जी, आपका सागर पाली खरीदी के दरमियान खरीदी बंद है, कब से बंद है, क्यों बंद है? दो दिन से आज बंद है, मौसम के चलते पानी गिर रहा है इसलिए। तो जो किसानों का टोकन कटा है वो कैसा हुआ? उसका संशोधन हो जाएगा अगले हफ्ते, फिर मौसम साफ करता है तो खरीदी करेंगे। धान का उठाव कैसा हो रहा है? धान का उठाव अभी एक महीने बाद ही जो कटा है उठाव चालू हो गया है, थोड़ा धीमी है। मेरा नाम दिलीप नायक है, मैं भूतलडीह समिति का प्रभारी हूँ। नायक जी, आपका धान खरीदी केंद्र भूतलडीह में आज खरीदी बंद दिख रही है, कारण? सर, अभी पिछले दो दिन से बारिश हो रही है, मौसम के चलते भी धान खरीदी बंद है। तो किसान धान ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं ला रहे हैं। तो जिन किसानों का धान का टोकन कटा है वो कैसा होगा? सर, उस जिनका कटा है टोकन उसको अगले पाली में शिफ्ट कर दिया जाएगा सर। तो क्या लगता है मौसम कब तक इस तरह से रहेगा, कब तक खरीदी बंद होने की संभावना लग रही है आपको? हाँ, मौसम के खराबी के चलते तो खरीदी अभी बंद है, जब तक मौसम खराब रहेगा तो संभव नहीं है खरीदी होना। बाकी अनुमान है कि कल या परसों में मौसम फट जाएगा और तो खरीदी फिर चालू हो जाएगी। सर, जिन किसानों का टोकन कट चुका है तो उनको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? इसमें टोकन निरस्त नहीं होगा, आगे उसको बढ़ा दिया जाएगा, वो टोकन काम आ जाएगा। धान की सुरक्षा को लेकर समितियों में किस तरह की व्यवस्थाएं? सर, धान भीगे होंगे? अपने यहाँ पूरा 22 खरीदी केंद्र है जहाँ पूरा कवर्ड में रखा गया है, किसी प्रकार का धान नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। सर, कई जगह धान उठाव में धीमी गति से उठाव हो रहा है, जिसको लेकर समिति प्रभारी परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे?